दिल्ली एनसीआर में आज भी साफ नहीं आसमान, सुबह से ही छाई हुई है धुंध। बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा और दिल्ली में एक्यूआई लेवल अब पहुंचा 349। दिल्ली में सोमवार से लागू है ग्रैब टू, डीटीसी बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं, पार्किंग शुल्क में इजाफा भी किया गया है। यमुना में आज भी नजर आ रहे सफेद छत। पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल का बयान आया सामने, दिल्ली में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी में पंजाब की कोई भूमिका नहीं है, एसएफआई और केंद्र सरकार के पाले में डाली पूरी के। हरियाणा के कई हिस्सों में अभी भी जलाई जा रही है पराली, कैथल में पटियाला रोड बाईपास पर पराली जलाने का वीडियो सामने आया है, प्रशासन इससे बेखबर है। हरियाणा के झज्जर में भी जलाई जा रही है पराली, दुबलधन क्षेत्र में पराली जलाने की घटना आई सामने, पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद रुक नहीं रहे ऐसे मामले। हरियाणा के सोनीपत में पराली जलाने पर 6 किसानों पर एक्शन हुआ है, पुलिस ने मामला दर्ज करके किया गिरफ्तार, लेकिन जमानत के बाद छूटे कृषि विभाग के 2 कर्मचारी सस्पेंड। यूपी के संभल में भी जलाई जा रही है पराली, प्रशासन ने 2 किसानों पर लगाया 25,000 और 15,000 रुपए का जुर्माना, ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी चस्पा किया गया। दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के हाई अलर्ट, तूफान की वजह से ओडिशा और बंगाल में मच सकती है तबाही, ओडिशा के 14 जिलों में और स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद किए गए। चक्रवात तूफान दाना से निपटने के लिए ओडिशा सरकार की तैयारी, एनडीआरएफ की 10 अतिरिक्त टीमों की मांग की गई है, मछुआरों को 25 अक्टूबर तक समंदर में न जाने की सलाह। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के ओडिशा सरकार ने कसी है कमर, आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी बोले 250 राहत केंद्र और 500 अस्थायी शेल्टर्स बनाए गए हैं, गर्भवती महिलाओं की सूची भी तैयार कर ली गई है। चक्रवात दाना को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस का बयान, बैठक कर संबंधित विभागों को तैयारियां दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है, 50 स्टेशनों पर तैनात की गई है रेस्क्यू टीम। ओडिशा पहुंच गई है एनडीआरएफ की टीम, भटिंडा से एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन के 5 टीमें पहुंची, चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के भेजी गई एनडीआरएफ। बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत गिरी, मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हुई है, रेस्क्यू टीम ने 14 लोगों की जान बचाई है, भारी बरसात की वजह से ढह गई 7 मंजिला इमारत। बेंगलुरु में हुई भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, पिछले 3 दिनों में हुई मूसलाधार बारिशों से जनजीवन अस्त व्यस्त है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। उत्तर बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, निचले इलाकों में घरों के अंदर घुसा पानी, शहर में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। यूपी के कुशीनगर में बच्चों के विवाद में मारपीट हो गई, पथराव में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, हंगामा की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, हालात फिलहाल तनावपूर्ण। और चलिए नमस्ते भारत में फटाफट अंदाज में आपको बता देंगे राजनीति की खबरें। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होगी पीएम मोदी की मुलाकात, विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय बातचीत की पुष्टि की है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बोले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन और रूस ने खोज लिया है पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करने का सही तरीका, किसी तीसरे पक्ष को निशाना न बनाना शामिल होगा। रूस के कजान शहर पहुंचने के कुछ घंटों के बाद पीएम मोदी की पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता, आपसी संबंधों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा, क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाली को भारत का पूर्ण समर्थन रहेगा, रूस यूक्रेन के संघर्ष के मुद्दे पर लगातार संपर्क में है। भारत रूस के संबंधों पर बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत रूस के संबंध इतने मजबूत कि इन्हें किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं, बिना अनुवाद के इसे समझना संभव। पुतिन ने मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी का डायलॉग डिप्लोमेसी पर जोर दिया, कहा रशिया यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया भारत आने का न्योता, अगले साल भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण पीएम मोदी ने दिया। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आज मुख्य बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही ईरान के राष्ट्रपति के साथ कल हुई थी द्विपक्षीय बातचीत।
पुतिन ने ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए पुतिन को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी का रूस में कल कजान में हुआ था भव्य स्वागत। रूस के लोगों पर चढ़ा भारतीय रंग। प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के दिखा जबरदस्त उत्साह। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने बिगड़ते हालात पर जताई है चिंता। डायलॉग और साथ ही डिप्लोमेसी पर जोर दिया गया। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की करीब 45 मिनट चली बैठक। मुलाकात के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, मुलाकात अच्छी रही। और चलिए जल्दी जल्दी फटाफट अंदाज में अब आपको राजनीति की खबरें भी बता देते हैं। प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। नामांकन से ठीक पहले प्रियंका गांधी करेंगे भव्य रोड शो। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए 13 नवम्बर को डाले जाएंगे वोट। वायनाड में बुजुर्ग महिला से उनके घर मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। बुजुर्ग ने जताई थी मिलने की इच्छा। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे का आज ऐलान हो सकता है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि एनडीए नेता करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। देर रात तक चली महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक। करीब 5 घंटे मंथन हुआ। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच फंसा था पेच। और एबीपी न्यूज के पास एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 103-108, शिवसेना उद्धव गुट को मिलेगी 90-95 सीटें। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से खबर है। महाराष्ट्र में शरद गुट को 80-85 सीटें मिल सकती है। एसपी और अन्य दल 3-6 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 36 सीटों में शिवसेना यूबीजी 18, कांग्रेस को 14, वहीं एनसीपी को और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट दी जानी है। शिवसेना यूबीजी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव में जीत का किया दावा। कहा, हम लंबी रेस के घोड़े हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बाबन को लेकर आरोप है, महाविकास आघाड़ी नेचुरल अलायंस नहीं है, सत्ता के लिए किया गया गठबंधन। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई सामने। कोपरी पचपखाड़ी सीट से सीएम शिंदे लड़ेंगे चुनाव। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना ने उतारा अपना कैंडिडेट। शिवसेना शिंदे गुट ने वर्ली से संदीप देशपांडे को अपना प्रत्याशी बनाया। वर्ली से ही शिवसेना यूबीजी के नेता आदित्य ठाकरे लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे आज शिवसेना में होंगे शामिल। कुडाल मालवण से लड़ सकते हैं चुनाव। शिंदे की पार्टी को मिली है ये सीट। तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अजीत पवार की पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले महायुति की जीत का दावा किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, सरकार के काम के आधार पर मांगेंगे वोट। हर समुदाय के विकास के लिए कर रहे हैं काम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, बाला साहब ठाकरे ने कहा था जिस दिन कांग्रेस में जाऊंगा शिवसेना बंद कर दूंगा। पता नहीं उद्धव जी ये हालात क्यों कर रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की 35 उम्मीदवारों की पहली सूची। परहेट से लड़ेंगे हेमंत सोरेन और गांडे सीट से कल्पना सोरेन उम्मीदवार। झारखंड के दुमका से बसंत सोरेन, महेशपुर से स्टीफन मारांडी जेएमएम प्रत्याशी। वहीं महागठबंधन में 40 सीटों पर जेएमएम लड़ रही है चुनाव। झारखंड में 30 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने कहा, सभी मौजूदा विधायकों के नाम तय हैं। आलमगीर के बेटे को बना सकते हैं उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की है 6 उम्मीदवारों की सूची। देवघर से सुरेश पासवान होंगे, गोड्डा से संजय प्रसाद होंगे, चतरा से रश्मि प्रकाश प्रत्याशी होंगी। जेल में बंद सुभाष यादव को आरजेडी ने कोडरमा से टिकट दिया गया। अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने इसी साल मार्च के महीने में उनको गिरफ्तार किया था।
हेमंता बिस्वा शर्मा ने तेजस्वी यादव पर साधा जमकर निशाना, कहा हेमंत सोरेन से कई बार मिले तेजस्वी लेकिन सोरेन मिलने नहीं गए, साफ है तेजस्वी की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। पंजाब और बंगाल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव, कांग्रेस ने घोषित किए उपप्रत्याशी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग की सीट गिद्दर बहा से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के एनडीए में घमासान, बीजेपी सहयोगियों को मैनेज करने में जुटी है जेपी नड्डा, संजय निषाद की बैठक में नहीं निकला कोई भी हल। यूपी उपचुनाव के मसले को हल करने के लिए अब सुनील बंसल को जिम्मेदारी मिली, आज सुनील बंसल से मिलेंगे संजय निषाद, आज ही बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। गांधरबल आतंकी हमले को लेकर के गिरिराज और का राहुल पर निशाना, कहा कश्मीर हमले पर उनकी जबान नहीं खुलेगी, वो गजा पर ट्वीट करते हैं लेकिन बांग्लादेश पर जबान नहीं खुलती। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर पूर्व सीएम केसीआर के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप है, बीआरएस नेताओं ने हैदराबाद के थाने में दर्ज करवाई शिकायत। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा ब्रजभूषण के खिलाफ जारी है मेरी लड़ाई, कांग्रेस में शामिल होना विनेश का कोई निजी फैसला है, ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए उसने प्रदर्शन किया था। कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रदर्शन के आरोपों पर बोली साक्षी मलिक, बीजेपी नेताओं ने दी थी प्रदर्शन की इजाजत, हमारे पास सबूत भी है इसमें झूठ कहा। किशनगंज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीच सड़क पर किया हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू स्वाभिमान यात्रा में समर्थकों की भीड़ हटाने का विरोध किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं नमस्ते भारत में, देश के अलग अलग हिस्सों की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार से। भारत पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब समझौते को 5 साल के लिए बढ़ाया है, भारत ने फिर पाकिस्तान से की श्रद्धालुओं से कोई फीस नहीं लेने की अपील। एलएसी पर गतिरोध खत्म होने की खुशी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे अधिकारी। घटना के वक्त प्रवीण कुमार सिंह सुन रहे थे जनता की समस्याएं, आरोपी को हिरासत में लेकर के पुलिस कर रही है पूछताछ। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले महाराजा हर्षवर्धन की मूर्ति शिफ्ट करने पर हंगामा, एसपी नेताओं ने किया प्रदर्शन, अखिलेश ने लगाया था महाराजा के अपमान का आरोप। शराब घोटाला में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। मेटल रेप में के मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी, सभी पक्षों को सुनकर मामले से जुड़े कानूनी सवाल और आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय की जाएगी।